पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बड़ी खबर बिहार और देश की राजनीति से आ रही है और बिहार और देश की राजनीति से आने वाली ये खबर आने वाले इस देश और बिहार के राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली है। अगर खबर की बात करें तो ये खबर जुड़ा हुआ है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से लेकर के विशेष पैकेज तक का, इसके साथ साथ नीति आयोग में बिहार के लोगों को जोड़ने का। लेकिन इन सब के बावजूद अगर नीति आयोग कोई फैसला लेती है या बिहार के या देश के हित में कोई फैसला लेती है तो क्या उसमें बिहार की भूमिका होगी? अगर बिहार की भूमिका होगी तो नीतीश कुमार आखिर नाराज क्यों हैं? नीतीश कुमार की नाराजगी इस बात से निकाली जा रही है कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी लेकिन नहीं गए। उसी बैठक की एक और बड़ी बात निकल के सामने आ रही है कि ममता बनर्जी भी काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और वो नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने मीटिंग का बहिष्कार करके बाहर निकलना ही उचित समझा। नीति आयोग की बैठक में किन किन मुद्दों पर फोकस किया गया है ये पहले हम आपको बता दें, लेकिन इससे साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अब राजनीति गर्माने लगी है और ये समझ में आने लगा है कि आने वाला समय, अभी तो मात्र 2 महीने से भी कम वक्त हुए हैं इस सरकार को बने हुए, लेकिन सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये सरकार अल्पमत है और नीतीश कुमार के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू के कंधे पर है, उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी, जो कि एक बड़ी कहा जाए तो विपक्ष की नेता हैं, काफ़ी संख्या है, 29 सांसदों के साथ वो सदन में भी हैं, उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ने जिस तरह से सरकार की खिल्ली उड़ाई वो भी देखने को मिला। इस सब के बीच में आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक को लेकर के जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कहें तो तमिलनाडु समेत 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का नहीं जाना और तमिलनाडु सहित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नहीं जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात जरूर है। तमिलनाडु के अलावा बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड के मुख्यमंत्री शामिल नहीं रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करते हुए सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट BJP का बहिष्कार करने वाले राज्यों और लोगों के प्रति प्रतिशोध की कार्रवाई जैसा लगता है। उन्होंने इस बजट को इंडिया गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने के लिए तैयार किया गया बजट बताया है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के मामला यहीं तक नहीं है। बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार को ही दिल्ली पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा स्थापित आयोग को खत्म कर योजना आयोग को बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि टुकड़े टुकड़े मंच करार देते हुए ये भी बात कही कि देश को और राज्यों को विभाजित करने की कोशिश चल रही है। नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, लेकिन कई लोगों ने इसका बहिष्कार भी किया। वहीं नीतीश कुमार के नहीं पहुंचने को लेकर के और ममता बनर्जी द्वारा जो महाराष्ट्र में, आपको याद होगा कि अंबानी के बेटे की शादी में जो सभी विपक्षी दल के नेता लगभग मिले थे और उसके बाद से एक चर्चा शुरू हुई थी, उस चर्चा को भी कहीं ना कहीं हवा देता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का नीति आयोग की बैठक में नहीं जाना और नीतीश कुमार का नीति आयोग में जिस तरह से बिहार से कई लोगों को शामिल किया गया, 3-3 लोगों को शामिल किया गया था, उसके बाद भी चुप्पी साधना, कुछ तो बात जरूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीति आयोग की बैठक में मोदी से दूरी बनाना और ममता बनर्जी का बहिष्कार सहित कई राज्यों का, 7-7 राज्यों का बहिष्कार करना, ये किस दिशा में जा रहा है? क्या आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं? क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी मीटिंग चल रही है और जैसे ही मीटिंग समाप्त होगी हम फिर आपसे अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।